हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों ने एलाइड सेवा प्रारंभिक परीक्षा दी। ये परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ली गई। इस परीक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों में सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और ये परीक्षा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश में भी उम्मीदवारों ने एलाइड सेवा प्रारंभिक परीक्षा दी। कुल्लू के ढालपुर बॉयज स्कूल में 800 अभ्यर्थियों में से 669 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 136 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया कि सर्विस एलाइड का एग्जाम लिया गया। इस परीक्षा में नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कानूनगो आदि की पोस्टें होती हैं। ये परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि कुल्लू में 2 सेंटर थे। एक सेंटर में 340 अभ्यर्थियों ने तो दूसरे सेंटर में 324 बच्चों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों के लिए स्कूल की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन का एलाइड सर्विसेज का एग्जाम था, जिसमें नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कानूनगो, इस तरह की पोस्टेज होती हैं। हमारे पास 2 सेंटर थे जिसमें 800 बच्चे हमें लोटेड थे। एक सेंटर में 340 बच्चे अपीयर हुए हैं और दूसरे सेंटर में 324 बच्चे अपीयर हुए। अगर इसका जो हमने व्यवस्था की थी, सभी बच्चों को डेस्क, पानी वगैरह सारी व्यवस्था हमने की थी। पुलिस फोर्स भी हमने लगाई थी और जो इनविजिलेटेड थे वो भी हमने सारे जितने लगने थे उतने लगाए हुए थे और बिल्कुल स्मूथली हुआ। किसी भी कोई भी बच्चे ने किसी भी तरह कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। कई बार होता है कोई क्वेश्चन पेपर में कोई कमी रह जाती है, मिस प्रिंट होता है, लेकिन ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। सभी बच्चे बड़े मजे से गए, अच्छे से पेपर किया और बड़े इन्जॉय करते गए। वहीं परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। सीसीटीवी की निगरानी में उन्होंने ये परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के मोबाइल व अन्य दस्तावेजों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में लगभग 200 प्रश्न थे, जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया था। बैठने की व्यवस्था और जो है चेकिंग की व्यवस्था अच्छी कराई गई थी। जो है मोबाइल फोन्स और जो अदर जो सामान जो बाहर पहले से ही रखवाए गए थे, टाइम की जो है पूरी लिमिट दी गई थी और बीच बीच में जो है चेकिंग भी की जा रही थी, क्योंकि जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर जो है अंदर मौजूद है तो उनको जो है बाहर किया जाए। 200 नंबर का पड़ा हुआ था, उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है 200 क्वेश्चन पड़े हुए थे। 3 घंटे का समय दिया गया था, 3 घंटे के अंदर हम लोगों को जो है ये 200 क्वेश्चन पूरे करने। देखा जाए तो उम्मीद तो पूरी है कि फिलिम्स हम जो है क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो है उसके मेरिट के हिसाब से देखा जाए, अगर नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद ही जो है ये मेरिट देखी जा सकी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।